If geopolitics need to succeed, then definitely it must succeed for the rich and poor equally. मतलब ये हुआ कि अगर हम जियोपॉलिटिक्स के अंदर चाहते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड हो, तो डेफिनेटली उसको रिच और पुअर दोनों के लिए ध्यान रखना पड़ेगा. आज हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी अलायंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफी पुरानी है लेकिन आज भी एग्रेसिवली काम कर रही है. जी हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की हम बात करने वाले हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट एंगल को आज हम कवर करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया का नाटो के साथ में अलायंस किस टाइप से चल रहा है और क्या ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन कर सकता है, एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ओवर इंडिया इफ ऑस्ट्रेलिया विल ज्वाइन नाटो. तो सबसे चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले थोड़ा सा नाटो के बारे में जानते हैं. हम इस पार्ट को, इस सेशन को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहले नाटो के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया के कैरेक्टर को समझेंगे, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया नाटो का पार्ट बन सकता है तो उसके लिए क्या क्या उसके ऐसे फीचर्स हैं, एंड फाइनली अगर नाटो का मेंबर ऑस्ट्रेलिया बन जाता है तो फिर क्या आउटकम्स देखने को मिल सकती हैं. सबसे पहले नाटो की बात करते हैं. तो नाटो, एज यू नो, इट इज अ मिलिट्री, इट इज अ डिफेंसिव अलायंस. ठीक है, मिलिट्री डिफेंसिव अलायंस मतलब ये होगा कि एक दूसरे की कंट्री वॉर के टाइम पे मदद करने वाले हैं. इफ The country is a part of NATO. If you will look at, तो आपको ये पता लगेगा ये NATO जो है आपका 1949 के अंदर बना था. इसका मेजर जो पर्पस था वो ये था कि USSR से कंट्रीज की हेल्प करना, यूरोपियन कंट्रीज की. इसलिए प्रोबेबली इनिशियली सिचुएशन क्या थी, यूएसए और इसके साथ साथ में जो आपकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट थे. जब USSR फ्रेगमेंटेड हुआ, जब USSR डिग्रेड हो गया, तो फिर जो कंट्रीज नए बने वो भी इसके लगातार मेंबर बनते चले गए, एंड दैट्स व्हाई नियरली 30 मेंबर आज के टाइम पे देखने को मिलते हैं. सवाल ये कि क्या ऑस्ट्रेलिया नाटो का मेंबर है एज ऑफ नाउ? आंसर इज नो. ऑस्ट्रेलिया अभी के टाइम पे तो नाटो का मेंबर नहीं है. तो अगर आप इसकी टाइमलाइन को थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको पता लगेगा 1949 जब नाटो बनता है तो बहुत सारी कंट्रीज, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज जो है वो नाटो को ज्वाइन करती है. लेटर ऑन मूविंग अहेड 1952 ग्रीस एंड टर्की ज्वाइन करते हैं, 55 के अंदर आपका जर्मनी ज्वाइन करता है, एंड सो ऑन 2023 के अंदर फिनलैंड इस कंट्री को ज्वाइन करता है, इस ग्रुप को ज्वाइन करता है, और नाटो इस तरीके से अपना एक्सपेंशन करता हुआ नजर आता है. अब सवाल ये है कि ये जो नाटो है, जो मिलिट्री अलायंस है, डेफिनेटली यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभरता हुआ नजर आता है. सवाल अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में है कि अगर ये मिलिट्री अलायंस है तो क्या ऑस्ट्रेलिया की ऐसी नेचर है कि ऑस्ट्रेलिया किसी से कोई मिलिट्री अलायंस बनाता हो? अगर ऑस्ट्रेलिया की नेचर मिलिट्री अलायंस बनाने की है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया नाटो का पार्ट बन सकता है. बाकी और भी प्रोबेबिलिटीज हैं, उनको भी जानने की, समझने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स सी कि ऑस्ट्रेलिया कोई मिलिट्री अलायंस का पार्ट है या नहीं है. तो इफ यू विल लुक एट, तो 5 ऐसी इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंस हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया पार्ट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है AUKUS, और इसका पार्ट ऑस्ट्रेलिया बहुत पुराने टाइम से है, सिंस 1949 ही ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट है. तो ये एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है बिटवीन द यूनाइटेड नेशंस, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में एक सिक्योरिटी अलायंस के तौर पे देखने को मिल रहा है. आप समझ सकते हो ऑस्ट्रेलिया किसके साथ में है, यूके के साथ में, यूएस के साथ में. मतलब ये हुआ कि उस केस में अगर नाटो की मेंबर की बात की जाए तो भी तो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज यही थे, यूएस, कनाडा एंड यूके, जो कि दोनों पार्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं. इसके बाद में एक और ग्रुप, 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट. अब इसके अंदर कौन कौन मेंबर है? इसमें मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, एंड देन यूके अगेन यहाँ पे भी पार्ट. फिर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग आती है, क्वाड ग्रुप आता है, जिसके अंदर की आपका यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया देखने को मिलते हैं. और फिर 5 आइज ग्रुप आता है, जिसमें अगेन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देखने को मिलते हैं. मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया इन नेचर ऐसी कोई हेजिटेशन नहीं है कि वो किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनेगा. ये तो क्लियर है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को इन्विटेशन मिले और ऑस्ट्रेलिया के खुद के अगर कुछ फायदे हुए तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया नाटो का मेंबर बन सकता है. कोई ऐसी हेजिटेशन इनके कॉन्स्टिट्यूशन में या इनके लॉज, रेगुलेशंस में नहीं है. अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया नाटो को ज्वाइन कर सकता है, कि क्या ऑस्ट्रेलिया की ऐसी कोई क्वालिफिकेशंस हैं जो नाटो को बेसिकली डिफाइन करती हो, नाटो के कैरेक्टर को डिफाइन करती हो. तो मैं ये मानता हूं कि जब ये अलायंस को ज्वाइन करना है नाटो को, तो कुछ क्राइटेरियाज हैं. कौन से क्राइटेरियाज हैं? एक तो कंट्री यूरोप या नॉर्थ अमेरिका से हो, बहुत अच्छा रहेगा. फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हो. 1901 से ऑस्ट्रेलिया एक डेमोक्रेसी की तरह काम कर रहा है. एक मार्केट इकोनॉमी हो, मतलब कैपिटलाइजेशन हो, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ये वाला पार्ट भी ऑस्ट्रेलिया में है। माइनॉरिटी के साथ में काफी अच्छा ट्रीटमेंट होता है और डेफिनेटली हमारी कंट्री से बच्चे जाते हैं उनके साथ भी काफी अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। कमिटमेंट करता हो कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करने में, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया इसमें काफी आगे है। एबिलिटी एंड विलिंग, इसके लिए मिलिट्री कंट्रीब्यूशन के लिए तो ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी करता है, जैसे कि अभी मुझे पता लगा यूक्रेन और रशिया के वॉर के अंदर यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा है डेफिनेटली, तो मतलब यहाँ पे कोऑपरेशन भी यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड फाइनली कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक सिविल मिलिट्री रिलेशंस इंस्टीट्यूशंस, एंड डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया इसके ऊपर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर ये क्राइटेरियाज है नाटो के मेंबर बनने के, तो इस एक क्राइटेरिया दैट इज यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कंट्री हो, इसको छोड़ के बाकी लगभग ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया बखूबी फुलफिल करता हुआ नजर आता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया एक मेजर पार्टनर की तरह नाटो को ज्वाइन तो कर सकता, कैपेबिलिटीज तो है। अब आगे बढ़ते हैं और एक सिचुएशन को जानते हैं कि अब तक फिर ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि फाइनली बात तो ये सच है कि ऑस्ट्रेलिया नाटो का मेंबर अभी के टाइम पे तो नहीं है। तो देखिए, अगर मैं इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाऊं और थोड़ा सा मैं आपको इस सीक्वेंस के ऊपर लेके जाता हूं, 1949 जब नाटो बना, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया गया। धीरे धीरे एक्सपेंशन देखने को मिला। टाइम आता है 1999 के अंदर, जहां पे रिपब्लिक ऑफ हंगरी, पोलैंड ये सब ज्वाइन करते हैं। 2000 के अंदर ये सारी कंट्री ज्वाइन करते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं यूएसएसआर जब खत्म होता है 1991 में, उसके बाद में भी ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट नहीं किया गया टू ज्वाइन नाटो। मतलब ये हुआ कि इन्विटेशन तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं आ रहे थे नाटो को ज्वाइन करने के लिए, और शायद इसका मेजर कारण था क्योंकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज जो हैं उन्हीं को नाटो का मेंबर बनाने की कोशिश चल रही थी, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया एलिजिबिलिटी शो नहीं करता हुआ नजर आता। दूसरा, आपके यूरोप अटलांटिक जो एरियाज हैं उनकी सिक्योरिटी के अंदर कंट्रीब्यूशन करना, ये बहुत बड़ा काम था। तो डेफिनेटली उस केस में भी नाटो की परफॉर्मेंस डाउन चली जाती है, ऑस्ट्रेलिया उसमें कोई खास कंट्रीब्यूशन शुरू से नहीं दिखाता नजर आया। अच्छा, आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे, नाटो या ओटान। ये इसलिए लिखा हुआ क्योंकि नाटो की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से एक लैंग्वेज है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। इंग्लिश में ये नाटो होता है, फ्रेंच में ये ओटान होता है। दैट्स व्हाई ये दो नाम दिए जाते हैं। यूपीएससी आपसे इस नाम पे भी खेल सकता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब सवाल ये आता है आपका कि विल ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन नाटो, कि क्या ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करेगा, सबसे लास्ट सवाल, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देखेंगे अगर ज्वाइन करेगा तो। देखिए, नाटो जो है आपका वो यूरोप और अमेरिका की, नो डाउट, नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है। मिलिट्री डिफेंस कॉपरेशंस नजर आते हैं, लेकिन आज की जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है वो यूरोप की सिक्योरिटी के लिए भी और अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, और जिसमें सबसे बड़ा जो दुश्मन नजर आता है इनको वो है चाइना। एक्चुअली ये चाइना ही था जिसके चलते क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बना था, इसको काउंटर करने के लिए क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बना था। तो जियोपॉलिटिक्स की कोई सीमा नहीं होती, कोई ऐसे लिमिट नहीं होती, कोई ऐसे रिजिडिटी नहीं होती कि एक मेंबर को दूसरे पार्ट का मेंबर नहीं बनाया जा सकता, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बनाया जा सकता अनलेस कि हमारे बेनिफिट जो है इससे वो फुलफिल होते हों। यस, इट इज द हाई चांस कि आपका वेस्टर्न कंट्रीज जो है, जो इमर्जिंग इंडो पैसिफिक रीजन की थ्रेट है चाइना की वजह से स्पेसिफिकली, उसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को मेंबर बनाया जा सकता है। अगर नहीं बनाया जाएगा तो सिर्फ एक ही रीजन है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को मेंबर बनाया जा रहा है, बाकी के लिए मेंबरशिप नहीं है। जिसमें एक वर्ड आता है नाटो प्लस। नाटो प्लस मतलब यूरोप से बाहर जाके किसी को मेंबरशिप देना। इवन नाटो ने प्रपोज किया कि इंडिया भी नाटो प्लस का मेंबर बन जाए। बट अब सवाल है एक और कि भाई नाटो एक्सटेंड क्यों नहीं करता। तो मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहता हूं कि अगर लेट्स से नाटो का मेंबर ऑस्ट्रेलिया बन भी गया तो क्या इंपैक्ट आएगा। देखिए, नंबर ऑफ एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की बात करें नाटो की तरफ से, आज के टाइम पे कितने एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं? 32,61,000। अगर ऑस्ट्रेलिया पार्ट बन गया तो इट बिकम 33,20,000। रिजर्विस्ट कितने होंगे? 21,06,000 जो कि 21,36,000 30,000 का इजाफा होगा। यहाँ पे बैटल टैंक की बात करेंगे 14,900 लगभग 15,000 जो कि अब 15,030 हो जाएंगे बढ़ के। इसके बाद में आप कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करेंगे 6,000 है तो 6,216 हो जाएंगे। इसके बाद में आप नंबर ऑफ वॉरशिप जो 500 है 511 हो जाएंगे। एक्चुअली नाटो इस डेटा को जब देखता है तो नाटो का ऐसा मानना है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के ज्वाइन करने के बाद में हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज के अंदर कोई खास मेजर फर्क नहीं आने वाला, और फर्क नहीं आने वाला इसीलिए इतने लंबे टाइम से नाटो ने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट नहीं किया टू बिकम द पार्ट। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया काफी हद तक कोऑपरेट जो है वो करता तो नजर आ ही रहा है। अब सवाल ये है कि यार ऑस्ट्रेलिया नाटो रियली एन अलाई, कोई अलाइज कोई अलायंस देखने को मिल रहा है इनमें? यस, अलायंस तो देखने को मिल रहा है, डायलॉग पार्टनर है एक दूसरे के साथ में, बिल्डिंग कैपेबिलिटीज, इंटरऑपरेबिलिटीज, कुछ ऑपरेशंस, कुछ नेवल एक्सरसाइजेज ये देखने को मिलती हैं। और आपका नाटो लैब जो भी ऑपरेशंस होते हैं, मिशंस होते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया बखूबी पार्टिसिपेट भी करता है और उनको सपोर्ट भी करता है। एग्जाम्पल आपके सामने है कि यूक्रेन को ओपनली ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा है। इवन रशिया ने एम्बेसी को चेंज करने की कोशिश की तो रशिया को यहाँ पे अपोज किया गया है, जो एक इंपैक्ट मान सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर का। तो डेफिनेटली अलायंस तो इनके बीच में है, और अगर अलायंस एग्जीक्यूट होके नाटो का मेंबर अगर ऑस्ट्रेलिया बन जाता है तो ये इंडिया के लिए काफी बड़ा थ्रेट होगा। उसका कारण ये है कि हमारा जो क्वाड ग्रुप है उसके अंदर हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, और चाइना को काउंटर करना चाहते हैं तो हमें सभी चारों को कॉपरेशन है। हालांकि ये डिफेंस कॉपरेशन मतलब ऐसा नहीं कि कोई वॉर कॉपरेशन है, लेकिन स्टिल कॉपरेशन है। और अगर यूएसए से, यूके से, इन कंट्रीज के साथ में डायरेक्टली जाके ऑस्ट्रेलिया मिल जाता है तो क्वाड का कोई खास सिग्निफिकेंस ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं रह जाएगा और ये ग्रुप धीरे धीरे वीक होता हुआ नजर आएगा। दैट इज अ टिपिकल प्रॉब्लम फ्रॉम दिस साइड ऑफ इंडिया कि अगर क्वाड्रिलेटरल ग्रुप वीक हो गया तो हमें काउंटर करना चाइना को काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी आप लोग बताइए कि क्या ऑस्ट्रेलिया को नाटो का मेंबर बनना चाहिए? इन माय अकॉर्डेंस इट शुडंट बी, बाकी हमारे इंटरेस्ट में रहेगा कि इट शुडंट बी। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट।